जैसे कि एसएससी जीडी का रिजल्ट जारी हो चुका है 2024 का, आप सबको पता ही होगा। आप सब अपना नंबर कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर है, और आप अपने नॉर्मलाइजेशन नंबर कैसे चेक कर सकते हैं, आपका स्कोर कार्ड क्या है, कैसे चेक करना है, दो मिनट के अंदर आप चेक कर पाओगे जैसे मैं करूंगा, बिल्कुल आसान है। चलो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है, ठीक है, क्रोम खोल लेना है, गूगल खोल लेना है, जहां पर सर्च करना है एसएससी जीडी। जैसे आप एसएससी जीडी सर्च करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ये वाला वेबसाइट खुलेगा, इस पर क्लिक करना है और हम अपना स्कोर कार्ड, जो आप सब अपने नंबर देख सकते हो कि आपके नंबर कितने हैं, कितने नंबर थे आपके, कितने नंबर आपके बड़े हैं, आपको नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है, आप कैसे चेक कर सकते हो। दोस्तों ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ये एसएससी की नई वेबसाइट है, नई वेबसाइट पर आपका स्कोर कार्ड, आपके नंबर नहीं है तो आपको पुरानी वेबसाइट पर जाना है। तो सबसे ऊपर आपको क्लिक करना है जहां पर आपका देखिए एसएससी ओल्ड वेबसाइट, इस पर आपको सीधा क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपका उस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है, आपके फोन में ऐसा इंटरफेस, जे एसएससी की ओल्ड वेबसाइट है, आप सबको पता ही है एसएससी की जे ओल्ड वेबसाइट है, जहां पर आपको यूजर नेम डालना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और आपका पासवर्ड, जो आपने फॉर्म भरते समय पासवर्ड भर रहा था वो डालना है। उसके बाद आपको जो कैप्चर इधर भर लेना है, उसके बाद आपको लॉगिन हो जाना है, जो आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो आपको जहां पर रिजल्ट और मार्क्स दिखेंगे, इनके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो आपको क्या करना है, ऐसा इंटरफेस खुलेगा तो आपको जहां से चुनना है, क्या चुनना है, आपको जहां से चुनना है एसएससी जीडी 2024 वाला, आपको ऐसे इधर क्लिक कर लेना है, चुन लेना है। उसके बाद चुनने के बाद आपको जहां से सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार का आपका स्कोर कार्ड होगा, जहां पर आपके देखिए जो फाइनल स्कोर होगा वो आपको जहां पर नीचे बताया होगा, और जो आपका रो स्कोर होगा वो आपका, और इसमें जो नॉर्मलाइजेशन फाइनल स्कोर में नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलाकर आपका जो फाइनल बना होगा, ये आपका पहले का होगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपके बाकी जो विषय हैं रीजनिंग मैथ, उनमें कितने कितने नंबर है वो आपको इधर से पता चल जाएगा। ऐसे आप अपना स्कोर कार्ड अपना, जहां से आप इसका पीडीएफ प्रिंट भी आप निकाल सकते हो, तो ऐसे आप मजे से ये दो मिनट के अंदर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो। शेयर करो दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करना।